तो भैया हम प्रूनी का काम करते हैं, मगर मैंने पट लिया आपकी सब्जी। जब ये सड़ेगा, इसका सड़ेगा नहीं जी, आपको पता है जो रूट रोड का सबसे पहली कॉलोनी डेवलप करेगा वो, जो ये डंठल बच गए ना जी, जब ये सड़ेगा ना, आपने आलू देखा ना जी, आलू उगाते, आलू के बाद जो रह जाता ना, जो सड़ता है, उसके अंदर कॉलोनी बनती है। जो यहाँ का जो रूट रोड है ना जी सारा, वो यहाँ कॉलोनी बनाएगा, यहाँ डेवलप होगा। तो ये बहुत ही मतलब आपने सब्जी निकाल दी ना जी, आप इसको पट पुट के ना जी कहीं डिस्ट्रॉय कर दो उसको, मतलब ऐसे ना जी। तो ये भी ऐसी चीजें जी बड़ी घातक रहती है। अब दूसरी बात आई जी, हम अभी क्योंकि मैं रूट रोड से शुरू कर रहा हूँ, अब आप अगर इस पौधे को देखेंगे, इसका ग्राफ्टिंग यूनियन मेरे को दिख रहा है, ठीक है जी, मगर हम अगर इस पौधे की बात करेंगे तो ग्राफ्टिंग यूनियन इसमें नीचे नहीं। तो अब ये धीरे धीरे करके, अब जिसके बगीचे में जी, सबसे पहले मैं उनकी बात को ले लेता हूँ। उन्होंने मेरे से पूछा कि जी ये वैरायटी आ गई थी जी गलत, कहाँ है जी वो डिंपल, आपका नाम भी डिंपल है। तो जी देखो जी, आप सोचो कि एक गलत बडवुड से इस इंडस्ट्री में कितना नुकसान हुआ होना। अगर आप गलत बडवुड देते हैं, चाहे मैं देता हूँ, आप देते या कोई भी एक्सचेंज करता है, आज इतनी स्थिति में आके भी आपको दिक्कत आ गई। अगर अब आपने इस बगीचे को करना है तो आप इसको रीग्राफ्ट कर सकते हैं, मगर बहुत ऊपर नहीं जाना कलमों में। मुझे लगता है कि जी अगर आप यहाँ पर स्पर वैरायटी लगाएंगे, क्योंकि ये बगीचा ऑलरेडी घना लग गया आपके, ठीक है जी, तो इसीलिए आप इसमें स्कारलेट वगैरह वैरायटी पे काम कर सकते हैं। सिर्फ इसमें एक दो तीन कलम, चौथी कलम बस। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना जी, कलम करते हुए हमारे लोग क्या करते, चाहे बड़ा पौधा भी होगा ना जी, यहाँ कलम करेंगे, यहाँ कलम करेंगे, यहाँ कलम करेंगे, फिर यहाँ कलम, ऐसे करते नहीं। तो जब भी आप टॉप, एक टॉप आता है हमारा इस वाला, एक आता है साइड वाला, जब भी आप तीन चार कलम, जैसे बड़े पौधे में तो आप चार चार पांच पांच भी करते हैं, तो जो टॉप होगा ना जी, जब आप टॉप की कलम करेंगे, उससे और नीचे कलम में कम से कम 1.5 फुट का फासला होना चाहिए। आपने बहुत बार देखा होगा कि ये विग्रेस हो जाते, खत्म हो जाता फिर बाद में, होता नहीं। तो इसीलिए जो ऊपर की कलम आप करेंगे वो लगभग इतना ऊपर करें, निचली कलम, कलम बहुत ऊपर नहीं करना आपने कलम में, नीचे कलम करना इसमें, ज्यादा ज्यादा यहाँ तक करना, सबके तीन चार नीचे और एक। और एक और चीज हो सकती है अगर आप कर सकते हैं, मगर इसके लिए बहुत एक्सपर्ट कलमर की आपको जरूरत पड़ती है। अगर मैं होता इसका तो मैंने इसको यहाँ से भी काट के कलम कर देनी थी, सिंगल एक कलम। तो अगर आपकी स्किन ग्राफ्ट वाला कोई एक्सपर्ट ऐसा है तो आप सिंगल पे भी जा सकते हैं इसमें, मगर अगर आप ऊपर भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। कलम के लिए मैंने आपको बोल दिया, आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो हम भी उपलब्ध करा लेंगे थोड़ी बहुत, जितनी जितनी भी हो पाएगी बिल बांट के। अब बात आती है जी प्रूनिंग और ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग का मतलब है कि हम किस तरीके से अपने पौधे की कनोपी या शेप, आकार, रूप, स्वरूप को बनाते हैं कि जिसमें पूरी लाइट पेनिट्रेशन, मतलब सूरज की किरण अंदर तक उसमें जाए। मगर ट्रेनिंग होती है जो एक डंडा फंसा दिया, कभी सुतरी फंसा दी, कभी आपने टूथपिक फंसा दी यहाँ पे, वो सारा ट्रेनिंग का पार्ट है। ट्रेनिंग अलग है, प्रूनिंग अलग है। जो सबसे पहले पौधे में होगी वो प्रूनिंग से शुरू होता है, फिर उसमें मिक्सिंग होती है ट्रेनिंग और प्रूनिंग की, डंडे से, सुतड़ियों से उसको हम आकार देते हैं। अलग अलग तरह की प्रूनिंग है जी हमारे पास। अभी अंदर क्वेश्चन आया था जी कि टॉल स्पिंडल, ये आया जी आपका हॉरिजॉन्टल, ये क्या बिलो हॉरिजॉन्टल बोला जाता है कि जी जहां से शाखा आई होती है और जो इसकी टिप है, अगर ये टिप इसके भाग से नीचे को है तो ये बिलो हॉरिजॉन्टल। तो जब आप इसको ऐसे करके बेंडिंग करते हैं तो आपका टॉल स्पिंडल पे काम करते हैं, सिंगल लीडर पे, और ये सारी लेटरल ब्रांचेज होगी और ये नीचे को होगी। ये सिर्फ M9 वगैरह में अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है जी, मगर जो बड़े रूट स्टॉक है 111 या सीडलिंग रूट स्टॉक है तो 793 है, तो इसमें ये चलेगी नहीं ज़्यादा, आपको वर्टिकल उस पर काम करना है। अब दूसरी चीज़ है जी, अब जब ये डंडी फसाएगी, ये लगभग इतनी फसाएगी, और अगर मैं होता इसको लगभग यहाँ तक ले जाना, तभी देखेंगे आप इसमें बीमा कम बढ़ा और शूट ज़्यादा आए। जब तक आप इसको थोड़ा नीचे नहीं लाएंगे तो ये काम,
सिस्टम होता है जी, तरीका होता है जी, एक होता है सिंगल लीडर सिस्टम, जो आप एक टॉल मतलब तो एक लीडर है उसमें अदर ब्रांच चीजें, और इसमें भी हमारा होता है सिंगल लीडर, मल्टी लीडर, जो हमारे बड़े पौधे पार्क के सारी मल्टी लीडर्स है। एक आता है जी ओपन लीडर सिस्टम, उसमें हम अपने हेड को यहाँ से काट देंगे या इसको यहाँ से काट देंगे और नीचे की तीन चार शाखा को ऐसे लेंगे तो वो ऊपर ऊपर से यहाँ से ये खाली रखेगी, ऊपर से लाइट पेनिट्रेशन को, उसको ओपन लीडर सिस्टम भी बोला जाता है। अब हमारे पास ये है कि अगर नए पौधे में हम बगीचा लगाते हैं तो उसमें कौन सी प्रैक्टिस करें, तो मुझे लगता है कि जी सिंगल लीडर सिस्टम पे भी अगर आप वर्टिकल एक्सेस पे काम करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएगा आपके पास। उसके आप ये एक स्टोरी आपने यहाँ बना दी, और इसमें एक कमी है जी कि आप ये देखेंगे कि वाला टहना बहुत ही नीचे, तो जो पहली शाखा आप लेंगे लगभग आपको 2-2.5 फुट का गैप होना चाहिए काफ़ी यहाँ या यहाँ तक। तो उसके बाद जब आप उसका नीचे वर्कआउट काम भी करना होता है जी, तो फर्स्ट वो जब लेंगे उसके बाद एक गैप को आप खाली करेंगे, फिर यहाँ पर 3-4 शाखा लेंगे, फिर इसको खाली करेंगे, फिर यहाँ पर लेंगे, फिर इसको खाली करेंगे। बहुत बार ऐसा आता कि आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है तो ऊपर चले गए जी बहुत। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं जी,